हमारी आज की कहानी है जब पत्नी से उठ गया पति का मन। मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रमेश तो घर में बहुत उम्मीद लेकर घुसा था कि शायद आज उसकी पत्नी उसके लिए कुछ खास करेगी, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसा और अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो सुन्न रह गया। आज भी वही चिड़चिड़, इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही बैठा रहता, रमेश ने मन में सोचा। दरअसल जिंदगी के 50 साल पूरे करने के बाद अब रमेश का धीरे धीरे अपनी पत्नी से मन उठ रहा था। रमेश ने हमेशा से बहुत संतुलित जीवन जिया था, उसमें किसी तरह की कोई गलत आदत नहीं थी, ना वो शराब पीता था, ना किसी तरह के दूसरे नशे करता था और ना ही उसे दूसरी औरतों में कोई दिलचस्पी थी। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता था और उसी में उसके जीवन के 50 साल बीत गए। लेकिन अब इस उम्र में आकर उसका मन भटक रहा था। एक दिन सब दोस्त बैठकर बात कर रहे थे, सब इस उम्र का अनुभव बता रहे थे कि अब तो इतनी दौड़ भाग कर ली, घर गृहस्थी बच्चे सबको सेटल कर लिया, लेकिन अभी भी संतुष्ट होने की जगह जिंदगी में खालीपन क्यों आ गया है। सब दोस्तों ने अपना अपना मत रखा, लेकिन कोई भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। इन्हीं बातों के बीच रमेश को अपना पास्ट याद आ गया। उसका बचपन गांव में बीता था, जहां जमीन जायदाद तो होती थी पर पैसा कम होता था। बस बचपन से ही उसे माँ बाप ने मेहनत करना सिखाया था, क्योंकि खुद भी वही करते थे। पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में भेज दिया जाता था, लेकिन कैरियर को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं होती थी। पता नहीं कहाँ खेलते कूदते बचपन बीत जाता था और कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी। रमेश की शादी भी 20 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी पत्नी उससे 1 साल ही छोटी थी। शादी के बाद रमेश गांव से अकेला ही शहर आ गया, क्योंकि वो सबसे थोड़ा अलग था। वो वही घिसी पिटी जिंदगी अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों को नहीं देना चाहता था। अब वो हफ्ते में 2 बार अपनी पत्नी और माँ बाप से मिलने गांव जाता, क्योंकि गांव और शहर में आधे घंटे का ही फर्क था। शहर में आकर उसने एक छोटी सी कपड़ों की दुकान लगाई और एक कमरा किराए से लिया। पिताजी उसके शहर जाने के निर्णय से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने रमेश की ज्यादा मदद नहीं की। ऐसे में उसने अकेले ही बहुत संघर्ष किया। 1 साल के स्ट्रगल के बाद वो थोड़ा सेट हुआ तो अपनी पत्नी को भी शहर ले आया। उस पर पैसा कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने जी तोड़ मेहनत की और काम अच्छा चल गया। अब काम तो अच्छा चल गया, पर जिंदगी गधा मजदूरी बन गई। आए दिन बड़े शहरों से कपड़े खरीदना, फिर उन कपड़ों को अपने शहर लाना और बेचना। सुबह उठते ही सारा काम फटाफट करना और दुकान पर भाग जाना। दिन भर काम करना और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाना। बस यही उसकी जिंदगी की दिनचर्या बन गई थी। देखते ही देखते सब कुछ सेट हो गया। 2 बच्चे हो गए, खुद का घर खरीद लिया और 45 साल की उम्र तक तो उसने 2 दुकानें भी खरीद ली। रमेश की पत्नी अनु हाउसवाइफ थी। उसने हर बुरे वक्त में रमेश का साथ दिया था। जब पैसे कम थे और बहुत संघर्ष का वक्त था, तब भी उसने सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था। लेकिन दुख की बात ये थी कि अब जब पैसे आ गए थे, तब भी अनु वैसी ही रही। उसके बर्ताव से गरीबी कभी गई ही नहीं। जब बुरा वक्त था, तब उसने एक एक पाई बचाई थी, लेकिन आज जब रमेश ने इतनी मेहनत करके इतना पैसा बना लिया था, तब भी अनु एक एक पाई ही बचा रही थी। अनु से पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होता था। वो खुद भी गरीबी से जीती थी और रमेश को भी वैसा ही जीने के लिए मजबूर करती थी। उसे रमेश ने 1000 बार समझाया कि अब तू इतनी कंजूसी से क्यों रहती है,
अब तो कम से कम अच्छे से जिंदगी जी, अब तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है, इतना बचा कर क्या करेगी। अब तो उम्र भी आधी बीत चुकी है, एक काम वाली बाई रख ले, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा खाना बना ले। पर नहीं, अनु तो एक एक बाई बचाकर अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करना चाहती थी, जबकि रमेश ने बच्चों के लिए भी सब कुछ पहले से कर लिया था। अनु को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि अब इसके पास इतना पैसा हो गया था। उसे देखकर हमेशा सबको ऐसा ही लगता जैसे वो बहुत गरीब हो। रमेश अक्सर यही सोचता था कि जब पैसा नहीं था तब भी गरीबी थी, और अब जब पैसा है तब भी वही हाल। लाइफस्टाइल में कोई खास फर्क आया ही नहीं। बहुत साल हो गए थे रमेश को अपनी पत्नी को समझाते समझाते, यहाँ तक कि आने जाने वाले मिलने वाले लोग भी उसे समझाते कि अनु अब तो अच्छे से रहना सीख लो, पर वो बहुत जिद्दी थी, किसी की भी बात नहीं मानती थी, और ज़्यादा पैसा आने से वो थोड़ी घमंडी भी हो गई थी। वो हर वक्त चिड़चिड़ करने लगी थी क्योंकि अब उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था, लेकिन फिर भी पूरे घर का काम वो अकेले ही करती थी और बाई नहीं रखती थी। अब हर समय घर में किचकिच का माहौल रहने लगा था। दोनों बेटे तो सुबह ही निकल जाते और रात में ही घर आते, खाना खाते और सो जाते। बच्चे अनु से कम ही बात करते क्योंकि अनु तो हर वक्त बस चिड़चिड़े मूड में ही रहती थी और सबको फिजूल खर्चा करने के लिए टोकती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे रमेश का तो अपनी पत्नी पर से मन ही उठ गया। उसे अब ना अनु के पास बैठना अच्छा लगता था, ना ही बातें करना और ना ही ज़्यादा साथ रहना। लेकिन इस अधेड़ उम्र में अब वो किसके पास सहारा ढूंढता, इसलिए अनु को झेलना उसकी मजबूरी बन गया था। लेकिन आज रमेश का बर्थडे था, दोनों बच्चे भी शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उसे लगा था कि आज शायद कुछ अच्छा हो, शायद आज अनु मेरे लिए कुछ खास करे, पक्का मुझे कुछ सरप्राइज मिलेगा। पर नहीं, वही ढाक के तीन पात। शाम को जब रमेश घर गया तो उम्मीद से विपरीत उसकी पत्नी फिर से चिड़चिड़ करने लगी। बर्थडे के नाम पर अनु ने बस यही कहा कि बच्चे भी बाहर गए हैं, ऐसे में ज़्यादा कुछ बनाकर फिजूल खर्च क्यों करना, इसलिए मैंने खिचड़ी बना दी। बस फिर क्या था, रमेश का तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। उसने सोचा कि घर आने से बढ़िया तो मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता लेता, कम से कम जन्मदिन पर तो अपनी पत्नी का ऐसा रूप नहीं देखना पड़ता। आज तो रमेश के मुंह से निकल ही गया कि कितनी रूखी पत्नी हो तुम, मैं तुमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। कभी कभी तो लगता है जीवन भर इतनी मेहनत मैंने व्यर्थ ही की। और बस इतना बोलकर रमेश घर से अकेला ही बाहर चला गया। आखिर उम्र के इस मोड़ पर किसी भी इंसान को सुकून चाहिए, और जहाँ अनु जैसी पत्नियाँ हों वहाँ इंसान बाहर सुकून तलाशने लगता है, क्योंकि हर वक्त चिड़चिड़ आखिर किसे पसंद है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी ही गलत हो, कई बार औरतों की गलती के कारण आदमियों की ज़िंदगी बोरिंग और रंगहीन हो जाती है।